तो फाइनली गाइज डेल ने भी इंटेल के 12th जनरेशन सीपीयू के साथ में अपना नया लैपटॉप लिस्ट कर दिया है। इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है डेल वॉस्ट्रो 5620 और ये 16 इंच के साइज में आता है। इस लैपटॉप के 16GB वाले वेरिएंट की प्राइस 80,000 के अप्रोक्स है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं यहाँ पर आपका 9,000 का बेनिफिट करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे डेल वॉस्ट्रो 5620 के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, और यहाँ पर इस सीपीयू को लेकर कुछ बेंचमार्क्स भी इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपके जितने भी डाउट से वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो काफी मजेदार होगा। और लैपटॉप पीसी से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइज रिसेंटली इंटेल ने अपने 12th जनरेशन के सीपीयूज में हाइब्रिड आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया है एंड इस वजह से इन सीपीयूज की परफॉर्मेंस काफी बेटर होने वाली है क्योंकि हमें यहाँ पर एफिशिएंट कोर और परफॉर्मेंस कोर के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट 70,000 to 80,000 तक है और आपको एक बेस्ट लैपटॉप बाय करना है कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, कैजुअल गेमिंग करना है या ऑफिस या स्टडी पर्पज के लिए कोई लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो आप डेल वॉस्ट्रो 5620 को कंसिडर कर सकते हो। इस लैपटॉप में हमें इंटेल का कोर i5 1240p सीपीयू मिल जाता है जो कि एक 12th जनरेशन का सीपीयू है और इसमें हमें 12 कोर और 16 थ्रेड के ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब कि इस सीपीयू में आपको एफिशिएंट कोर और परफॉर्मेंस कोर के ऑप्शन मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ बेंचमार्क स्कोर्स भी शो करता हूँ। गीगबेंच 5 का सिंगल कोर स्कोर में इंटेल का i5 1240p भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ये सीपीयू AMD Ryzen 9 6900HS को भी बीट करता है एंड मल्टी कोर में ये AMD Ryzen 9 5900H सीपीयू को भी बीट करता है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ सकते हो कि ये सीपीयू कितना पावरफुल रहेगा एंड ये सीपीयू हमें ओनली 70,000 के बजट वाले लैपटॉप में भी मिल रहा है। इस सीपीयू का IGPU भी काफी अच्छा स्कोर गेन कर लेता है तो यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, ग्राफिक्स वाले काम कर सकते हो और वीडियो एडिटिंग भी आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सीपीयू मार्क के स्कोर्स भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सीपीयू AMD Ryzen 7 5800H सीपीयू को भी बीट कर रहा है स्कोर के मामले में और ये एप्पल के M1 8 कोर वाले सीपीयू को भी बीट करता है। सिंगल थ्रेड रेटिंग में भी आप देख सकते हो ये एप्पल के M1 8 कोर वाले सीपीयू के नियर बाय स्कोर करने वाला है। तो यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये सीपीयू कितना पावरफुल रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं इस लैपटॉप में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले बात करें इस लैपटॉप के सीपीयू की तो इसमें इंटेल का 12th जनरेशन कोर i5 1240p सीपीयू मिल जाता है जिसमें आपको 12 कोर 16 थ्रेड के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आपको 12MB की लेवल 3 कैश मेमोरी मिल जाती है और फ्रेंड्स ये सीपीयू परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंट कोर के साथ में आता है। परफॉर्मेंस कोर में आपको 4 कोर 8 थ्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको 1.7GHz की बेस क्लॉक स्पीड मिलेगी और 4.4GHz की टर्बो क्लॉक स्पीड मिलती है। वहीं पर एफिशिएंट कोर में आपको 8 कोर 8 थ्रेड के ऑप्शन मिल जाते हैं और 1.2GHz की बेस क्लॉक स्पीड रहेगी और 3.3GHz की टर्बो क्लॉक स्पीड रहेगी। तो परफॉर्मेंस कोर ओनली गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह में काम आएंगे। मतलब कि अगर आप इस लैपटॉप पे हेवी टास्क करोगे या मल्टीटास्किंग करोगे तब ये परफॉर्मेंस कोर काम आने वाले हैं, अदरवाइज आपका लैपटॉप एफिशिएंट कोर से ही चलेगा और उस टाइम पर आपके लैपटॉप का बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम रहने वाला है। तो इस लैपटॉप में बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स मिल जाता है और ये एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहेगा। तो यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, वीडियोज को एडिट कर सकते हो और ग्राफिक्स वाले टास्क आसानी से रन कर सकते हो। अगर आप ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर भी रन करना चाहते हो वो आसानी से इंटेल आयरिस एक्सी हैंडल कर लेगा। इस लैपटॉप की डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाली कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट ये जल्दी इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। तब इसमें आपको NVIDIA का MX570 ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलने वाला है तो आप वो वाली कॉन्फ़िगरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो जब ये अवेलेबल होगी। रैम की बात करें तो इसमें आपको 16GB की DDR4 3200MHz की रैम मिल जाती है और इस लैपटॉप की रैम को हम 32GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमें काफी अच्छा अपग्रेड का ऑप्शन इस लैपटॉप में मिलने वाला है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 512GB की M.2 SSD मिल जाती है और इस लैपटॉप में आपको एक कोर M.2 एक्स्ट्रा स्लॉट खाली मिल जाएगा जिसमें आप Gen4 SSD लगा के इस लैपटॉप की स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये लैपटॉप अपग्रेड के मामले में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 16 इंच की 16:10 की फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पर आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग भी मिलने वाली है। 250Hz 45% NTSC का सपोर्ट मिल जाता है, WVA पैनल रहेगा और ये कम्फर्ट व्यू सपोर्ट के साथ में आएगी। तो डिस्प्ले इस लैपटॉप की काफी अमेजिंग रहेगी। डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4 सेल 54 वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है और लैपटॉप के साथ में 65 वाट का AC अडैप्टर मिल जाएगा। इस लैपटॉप
लैपटॉप में आपको डेल एक्सप्रेस चार्ज का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो लैपटॉप की बैटरी काफी तेजी से चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर आपको अराउंड 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। वेबकैम की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 1080p रेजोल्यूशन वाला फुल HD वेबकैम मिल जाता है। इसके साथ में ड्यूल अरे डिजिटल माइक्रोफोन्स की ऑप्शन मिल जाएंगे और टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब की वीडियोज की क्वालिटी काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की रहेगी। और यहाँ पर आपको प्राइवेसी शटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो वेबकैम में इतने सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, आपको एक्सटर्नल वेबकैम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 वाट के ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं और वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो सपोर्ट भी मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी इस लैपटॉप की काफी जबरदस्त रहेगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको इंटेल वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी के मामले में भी ये लैपटॉप काफी जबरदस्त रहेगा। यहाँ पर आप 24 Mbps तक की स्पीड वाला इंटरनेट आसानी से कंज्यूम कर सकते हो। कनेक्टिविटी के मामले में ये लैपटॉप एक्सट्रीम लेवल का रहेगा। कीबोर्ड और पाम रेस्ट की बात करें तो इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है और आपको पावर बटन में फिंगरप्रिंट रीडर माउंट किया हुआ मिल जाएगा। इसमें आपको प्रिसीजन माइलर टचपैड का ऑप्शन मिल जाता है और इसका फीडबैक काफी अच्छा होने वाला है। वेट की बात करें तो इसका वेट 1.9 kg के अराउंड रहेगा, क्योंकि गाइस ये सॉलिड मटेरियल के साथ में आने वाला है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अमेजिंग रहेगी। इस लैपटॉप का जो लिड टॉप कवर है वो मेटल एल्यूमिनियम का रहेगा और बाकी ओवरऑल बॉडी है उस पे एल्यूमिनियम एक्सटीरियर शेल का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये लैपटॉप मेटेलिक फिनिश के साथ में आएगा और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी एक्सट्रीम लेवल की रहेगी। इस लैपटॉप की जो हिंज डिजाइन है वो काफी इम्प्रूव्ड है और पहले के कंपैरिजन में आपको एक यूनिक डिजाइन मिल जाएगी, तो लैपटॉप लुकिंग के मामले में एकदम प्रीमियम रहेगा। कलर की बात करें तो ये लैपटॉप फिलहाल टाइटन ग्रे कलर ऑप्शन में अवेलेबल है एंड ये काफी यूनिक और स्टाइलिश आपको लुक देने वाला है। फीचर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको TPM 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है और ये आपके लैपटॉप के डेटा को प्रोटेक्ट रखेगा। इस लैपटॉप में आपको कुछ फ्री मसाला भी मिलने वाला है। इस लैपटॉप में आपको 15 मंथ्स के लिए McAfee का एंटीवायरस फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, विंडोज 11 फ्री मिल जाएगा और MS Office 2021 फ्री मिलने वाला है। इसी के साथ में डेल मोबाइल कनेक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप के राइट साइड में आपको एक मल्टी फॉर्मेट SD कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता है, एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाएगा, एक RJ45 LAN पोर्ट मिल जाता है, एक हेडसेट जैक मिल जाएगा। वहीं पर लेफ्ट साइड में आपको एक पावर इन पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 1.4 पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाएगा और एक USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और ये मल्टी फंक्शनल पोर्ट रहेगा। तो इस लैपटॉप में आपको सभी जरूरी पोर्ट्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रीजंस या फीचर्स की जिस वजह से आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको 16:10 वाली डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफी प्रीमियम लुक देने वाली है और इसमें आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग भी मिल जाएगी। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली है, तो इस लैपटॉप की डिस्प्ले काफी ऑसम है। हमें यहाँ पर प्राइवेसी शटर मिल जाता है वेबकैम में और ये फुल HD वेबकैम रहेगा। और इस लैपटॉप की रैम को हम 32GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट खाली मिल जाता है, तो इस लैपटॉप में हम Gen 4 SSD लगा के इस लैपटॉप की स्टोरेज को भी एक्सटेंड कर सकते। हमें यहाँ पर इस लैपटॉप में लीड सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट रीडर का ऑप्शन मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इस लैपटॉप का जो लिड टॉप कवर है वो मेटल का रहेगा और जो ओवरऑल बॉडी है वहाँ पर हमें मेटेलिक फिनिश मिलने वाली है। इस लैपटॉप में आपको TPM 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये आपके लैपटॉप के डेटा को प्रोटेक्ट रखेगा। लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी के मामले में भी ये लैपटॉप काफी एक्स्ट्रा रहेगा। और इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 फ्री मिलने वाला है, MS Office 2021 फ्री मिलेगा और इसी के साथ में 15 मंथ्स के लिए McAfee का एंटीवायरस फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें इस लैपटॉप में फ्री मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको डेल मोबाइल कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो सपोर्ट भी मिल जाता है, इससे इस लैपटॉप की ऑडियो क्वालिटी काफी इनहेंस हो जाती है। इस लैपटॉप की जो हिंज डिजाइन है वो काफी यूनिक है एंड आपको पता होना चाहिए कि डेल जब भी अपना नया लैपटॉप लॉन्च करता है वो हिंज डिजाइन को जरूर से चेंज करता है, इससे लैपटॉप और भी अट्रैक्टिव लगता है। तो डिजाइन के मामले में भी ये लैपटॉप काफी यूनिक रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की प्राइस के बारे में। इस लैपटॉप का 16GB वाला वेरिएंट आपको लगभग 79,000 के बजट में मिल जाएगा। अगर आप ये लैपटॉप विंडोज 11 होम के साथ में बाय करते हो तो इस लैपटॉप की प्राइस 9,000 घटकर 70,000 के लगभग आने वाली है, तो आप इस लैपटॉप को 70,000 के बजट में बाय कर सकते हो। अब चलिए कुछ ऑफर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप ये लैपटॉप बाय करते हो तो आप ऑफर्स वाले सेक्शन को भी जरूर से चेकआउट करना। यहाँ पर जो सेनहाइजर का HD 350 BT हेडसेट है ये आपको 1499 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ में आप 2900
₹199 में डेल कॉन्फ्रेंस स्पीकर फोन भी बाय कर सकते हो। आप यहाँ पर ₹199 में एक साल तक के लिए एक्सीडेंटल डैमेज सर्विसेज इंक्लूड कर सकते हो। आप इसके साथ में और चीजें इंक्लूड करो या ना करो, ब्लूटूथ हेडसेट आपको जरूर से बाय करना है इसके साथ में। ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और ये आपको काफी कम प्राइस में मिल जाता है। तो ये था डेल वॉस्ट्रो 5620 का ओवरव्यू। अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। और ये लैपटॉप अपनी प्राइस को भी जस्टिफाई करता है। इतने सारे फीचर्स एक लैपटॉप में मिलना इम्पॉसिबल है, बट डेल ये चीजें ऑफर कर रहा है ओनली एट 70,000 के बजट में। तो गाइज आप इस लैपटॉप को आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। और उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और लैपटॉप्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपको एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।